हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स के बारे में। सीक्वल इज व्हाट? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा से डील करने के लिए। स्ट्रक्चर डेटा मीनिंग, स्ट्रक्चर डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको हम जनरली स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, या आप कह सकते हो रिलेशंस की फॉर्म में। तो टेबल की फॉर्म में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए भी मेरे को कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और अगर मैंने डेटा को स्टोर कर दिया, तो उसको रिट्रीव करने के लिए भी मुझे कुछ कमांड्स या लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, या आप कह सकते हो कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं SQL के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, टू डील विद द स्ट्रक्चर डेटा। तो सबसे पहली हमारे पास है DDL कमांड्स। DDL कमांड्स जो कि है हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL कमांड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। DDL कमांड का मतलब है ये डील करती हैं स्कीमा से। ये डील किससे करती हैं? स्कीमा से। यहां पे स्कीमा क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब टेबल, मतलब हमें जो डेटा स्टोर करना है हम कहां पे स्टोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्ट्रक्चर डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। तो ये डील करती है उस टेबल की क्रिएशन से रिलेटेड। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल हम यहां पे ले, मुझे कोई भी डेटा है या कोई भी मुझे आइटम्स है उनको मुझे कोरियर करना है, तो जो हमारे पास आइटम्स है वो तो क्या है? डेटा। लेकिन उन आइटम्स को हमें कोरियर करने के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए? एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम उसको सामान को डाल सके। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? यहां पे स्कीमा है, मतलब स्ट्रक्चर। तो इस बॉक्स को कैसे बनाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पे क्रिएट टेबल। यहां पे हमारे पास बॉक्स क्या है? टेबल। स्ट्रक्चर डेटा में हमेशा याद रखना कि हम डेटा को स्टोर करते हैं सिर्फ टेबल्स की फॉर्म में। तो जब भी आपको स्कीमा या स्ट्रक्चर के बारे में कोई पूछे कि सीक्वल में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कौन सा हम डेटा मॉडल यूज करते हैं, तो यहां पे मॉडल कौन सा है? टेबल। तो वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि हमने जो बॉक्स बनाना है जिसमें हम कोरियर कर सके, सामान डाल सके, तो वो बॉक्स को क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट टेबल से, मतलब यहां पे क्रिएट कमांड से। उस बॉक्स में अगर कुछ चेंज करना है, लेट्स से अगर मुझे उस बॉक्स का साइज बढ़ाना है या उस बॉक्स की विड्थ बढ़ानी है, कुछ भी अगर उसमें चेंज करना है, तो ऑल्टर कमांड। ऐसी अगर हम बात करें यहां पे टेबल, तो टेबल में अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है, टेबल का डेटा टाइप चेंज करना है, टेबल के अंदर किसी कॉलम को ऐड करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर में चेंज करना है वो हम ऑल्टर से करते हैं। स्ट्रक्चर को हटाना है तो ड्रॉप कमांड से। स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा को रिमूव करना है ट्रंकेट से। और स्ट्रक्चर का नेम चेंज करना है तो हम यूज करते हैं रीनेम। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या है? टेबल। एक्चुअल में ये जो जितनी भी कमांड्स हैं, ये कमांड्स हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे काम करती हैं और इनका सिंटेक्स क्या है। लेकिन यहां पे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बताना जा रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं और इनका एक्चुअल में यूज क्या है। तो आपको DDL मतलब डेटा डेफिनेशन, तो जो डेटा हमने डालना है, जो डेटा हमें स्टोर करना है, स्टोर करने से पहले मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मैं उस डेटा को डाल सकूं। तो उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा काम कौन देखता है? DDL कमांड्स देखती हैं। देन डेटा मैनिपुलेशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा मैनिपुलेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक DDL नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं वही एग्जांपल अगर हम ले, मुझे कोरियर करना है, कोरियर करने के लिए मुझे लेट से बहुत सारी मेरे पास आइटम्स हैं जिनको कोरियर करना है, तो कोरियर तो बाद में करोगे ना आप। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक बॉक्स चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे आप उस डेटा को इकट्ठा एक तरह से डाल सको। तो यहां पे मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? डेटा मैनिपुलेशन मतलब हमें डेटा को इंसर्ट करना है। डेटा में अगर कुछ चेंज करना है तो हम किसको यूज करते हैं? मैनिपुलेशन। डेटा को फेच करना है तो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, एंड डेटा को अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल देखें, लेट से मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये सारे क्या है? कॉलम्स है, मतलब स्टूडेंट के बारे में डेटा टाइप है। तो इन सारी वैल्यूज को, इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम कहां पे क्रिएट करते हैं? DDL में। लेकिन जो उनकी वैल्यूज है, मतलब स्टूडेंट का नेम क्या है, उसके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, या उसका एज क्या है, वो सारा डेटा हम कहां पे डालते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। तो यानी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किसके लिए हम यूज करते हैं?
जब हमने बॉक्स बना दिया, जब हमने स्ट्रक्चर बना दिया, अब उस स्ट्रक्चर में हमने डेटा को डालना है, डेटा को हटाना है, कुछ वैल्यू को चेंज करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे DML कमांड्स को। देन थर्ड हमारे पास आती है डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल मतलब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि उस डेटा पे कंट्रोल किसका है, उस डेटा पे एक्चुअल में ऑथराइज्ड कौन है, कौन उस डेटा में से डिलीट कर सकता है, कौन उस डेटा में इंसर्ट कर सकता है, कौन उस डेटा से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। तो जनरली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। अगर हम लाइक कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर होता क्या है, सेंट्रलाइज्ड हम डेटा को रखते हैं और अलग अलग इंप्लॉयज या अलग अलग बंदे क्या करते हैं, उस डेटा को फेच करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सारी की सारी प्रिविलेजेस हर बंदे को दे देते हैं, हर बंदे की अपनी कुछ प्री डिफाइंड प्रिविलेजेस होती हैं। तो कौन कौन सी प्रिविलेजेस देनी है वो हम ग्रांट करते हैं विद द ग्रांट कमांड। और अगर मुझे लगता है कि वो बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है तो मुझे वो सारी प्रिविलेजेस या परमिशंस उससे वापस लेनी है, तो हम यूज करते हैं रिवोक कमांड। तो डेटा के ऊपर क्या प्रिविलेज देनी है, वो प्रिविलेजेस जनरली यही है कि क्या वो डेटा में कुछ क्रिएट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो इन्हीं प्रिविलेजेस के बारे में जनरली आती है। तो अगर मुझे कुछ ग्रांट करना है तो मैं ग्रांट कर सकता हूं, अगर उससे मुझे वापस लेनी है किसी यूजर से तो रिवोक कमांड को हम यूज करते हैं। देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम जनरली यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर। जैसा कि आज के टाइम पे हम जनरली सारे के सारे काम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब बिल पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन, शॉपिंग कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन। तो जितनी भी ये सारे काम कर रहे हैं इनमें हमारी ट्रांजैक्शंस जो है वो यूज होती हैं। ट्रांजैक्शंस में हम करते क्या है, लाइक अगर मुझे मनी क्रेडिट करनी है, मनी डेबिट करनी है या ट्रांसफर करनी है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस। और DBMS में ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना एक अपने आप में बहुत ही मेजर फंडा है। तो अगर हम बात करें कमांड्स की तो इसमें यूज होती है हमारी कमिट। कमिट मतलब अगर ट्रांजैक्शन पूरी कमिट हो जाए तो हम सारे की सारी वैल्यूज को डेटाबेस में सेव करना है। कमिट, रोल बैक, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो हम रोल बैक करते हैं। ये एक्चुअल में एसिड प्रॉपर्टीज जो है ट्रांजैक्शन के अंदर, एसिड प्रॉपर्टीज, और उनको हमने यूज करना है अगर प्रॉपर तरीके से तो हम यहाँ पे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर बीच में ट्रांजैक्शन कहीं पे चल रही है तो हम 20% 30% के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ डाउनलोड। जैसे डाउनलोडिंग या बफरिंग में होते हैं हमारे पास बीच बीच में सेव पॉइंट्स होते हैं। होता क्या है कि अगर हमारी लेट से बफरिंग या हमारी डाउनलोडिंग लेट से 90% पे फेल हो जाए तो क्या ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो डाउनलोड या 90% से ही स्टार्ट हो। तो इन चीजों के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स को यूज करते हैं। और ये सारी कमांड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूं, ना कि ये मैं ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए लेके आऊं। ऑल्दो ये सारी कमांड्स वहां पे भी यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी, तो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में हो सकता है इसके अलावा हमारे पास और भी कमांड्स हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, लाइक गेट की, NTA नेट की, KVS की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो उसमें ये कमांड्स जो है वो मोर देन इनफ है। और इन कमांड्स को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप ओरेकल का जो है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ओरेकल 9i, 10g है, 11, 12, 15, 16, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वर्जन हैं, या फिर आप MySQL को यूज कर सकते हो, SQL सर्वर को यूज कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। लेकिन ये सारे कमांड्स जो है वो जनरली यूज करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डायरेक्ट इनके नेम से आ जाती है कि इन कमांड्स का क्या यूज है, क्या पर्पज है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स एक्चुअल में टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नहीं है। कंस्ट्रेंट्स को मैंने यहां पे इसीलिए लिखा है क्योंकि जब हम डेटा को क्रिएट करते हैं या डेटा को इंसर्ट करते हैं, इन कंस्ट्रेंट्स का हम जनरली यहां पे यूज करते हैं DDL और DML के अंदर। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास आते हैं लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, यूनिक, डिफॉल्ट एंड नॉट नल। प्राइमरी की, जैसा कि हमें पता है प्राइमरी की का मतलब क्या है कि अगर मुझे डेटा में कोई भी एक टेबल है, टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट का, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी डेटा ऐसा ना हो कि जो डुप्लीकेट हो, या मतलब पूरी की पूरी रो जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लाइक प्राइमरी की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, फॉरेन की हम यूज करते हैं रेफरेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। और अगर आप फॉरेन की के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने फॉरेन की के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि क्या उसका पर्पज है, प्राइमरी की के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि क्या उसका पर्पज है, तो आप प्लीज उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। चेक कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है,
डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है। जैसे नॉट नल का हम यहाँ पे यूज करते हैं मैंडेटरी, कई बार हम वेब पेजेस, हम कई बार वेब फॉर्म को फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि हम जब सबमिट करते हैं तो वो आ जाता है कि सम ऑफ द ऑप्शंस आर पेंडिंग, मतलब वो स्टार लिखा जाता है कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनमें डेटा को आप नल नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हम एक्चुअल में डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, डेटा को डालने के लिए हमने कुछ रूल बनाए हैं, उन रूल्स को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये सारे के सारे कमांड्स जो हैं वो एक एक करके हम पूरी डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक ओवरव्यू चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं जो सीक्वल के अंदर हम जनरली यूज करते हैं, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।